एक ऐसा ब्रांड जो हर जगह मौजूद है, एक ऐसा ब्रांड जो इंस्टेंट नूडल से लेकर जूस भी बेच रहा है। वेल, आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी ब्रांड, आईटीसी कंपनी के बारे में और इसकी हिस्ट्री जानेंगे आज, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आज मार्केट में। वेल, इस कंपनी की स्थापना 24 अगस्त 1910 को हुई थी। तब इसका नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड हुआ करता था। बाद में इस कंपनी में धीरे धीरे भारतीय हिस्सेदारी बढ़ती चली गई और हिस्सेदारी में आए बदलाव के चलते पहली बार 1970 में इसका नाम बदल दिया गया। तब इस कंपनी का नाम बदलकर इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। चूंकि साल दर साल कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और यह कारोबार सिगरेट के दायरे से बाहर निकल चुकी थी, तब एक बार फिर से नाम बदलने की जरूरत महसूस हो गई। दूसरी बार 1974 में इसका नाम बदलकर I.T.C. Limited कर दिया गया। साल 2001 में एक बार फिर से नाम में बदलाव लाने की जरूरत पड़ गई और फुल स्टॉप्स को हटाकर सीधे आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी अब इसी नाम से जानी पहचानी जाती है। 110 साल से ज्यादा पुरानी इस कंपनी की शुरुआत साधारण तरीके से हुई और इसका पहला ऑफिस कोलकाता के साथ राधा बाजार में खुला था, जो किराए पर लेकर खोला गया था। कंपनी को अपने पहले ऑफिस के लिए जमीन खरीदने में 16 साल लग गए। कंपनी के 16 साल पूरे होने के मौके पर 24 अगस्त 1926 को 37 चौरंगी, जो कि अभी जवाहरलाल नेहरू रोड के नाम से जाना जाता है, उस पर जमीन खरीदी गई। तब कंपनी ने उस प्लॉट को खरीदने में 3,10,000 रुपए खर्च किए थे और 2 साल बाद वहां आईटीसी का पहला ऑफिस बनकर तैयार हुआ, जो कोलकाता शहर में जाना माना लैंडमार्क बन गया। कंपनी के शुरुआती कई दशक मूलतः सिगरेट के कारोबार पर फोकस्ड रहा और अपने सिगरेट और तंबाकू बिजनेस को मजबूती देने के लिए आईटीसी ने 1925 में पैकेजिंग और प्रिंटिंग बिजनेस की भी शुरुआत की। कारोबार बढ़ाने की दिशा में कंपनी ने पहला बड़ा कदम 1975 में उठाया था। आईटीसी ने चेन्नई में एक होटल खरीदकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कदम उतारा और आईटीसी का पहला होटल चेन्नई के कैथेड्रल रोड पर आईटीसी वेलकम ग्रुप होटल चोल के नाम से शुरू हुआ, जो अभी वेलकम हॉट बाय आईटीसी होटल्स के नाम से जाना जाता है। अभी कंपनी आईटीसी होटल्स, वेलकम होटल, फॉर्चून होटल्स और वेलकम हेरिटेज ब्रांड नाम से 100 से ज्यादा होटल चला रही है। इंडिया से बाहर श्रीलंका में भी कंपनी के पास एक प्रीमियम लग्जरी होटल है और इसके चंद साल बाद कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में पेपर बोर्ड बिजनेस को भी शामिल कर लिया। 1979 में आईटीसी भद्रचालम साल पेपर बोट्स लिमिटेड की शुरुआत की गई। साल 1985 यानी कि 1985 में आईटीसी ने पड़ोसी देश नेपाल में सूर्य टोबैको कंपनी की शुरुआत की। 1990 के दशक में आईटीसी एग्री बिजनेस में भी उतर गई। आईटीसी का ई चौपाल आज देश भर के किसानों के बीच में लोकप्रिय है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। खास तौर से जितने भी किसान हैं उनको इसके बारे में काफी जानकारी है। साल 2002 में कंपनी को ऐसा लगा कि एजुकेशन और स्टेशनरी बिजनेस की भी शुरुआत की जा सकती है और इसलिए 2002 में इस बिजनेस की शुरुआत की गई और क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट इस सेगमेंट में आईटीसी के फेमस ब्रांड्स में से एक है। हम सब क्लासमेट्स के नोटबुक्स यूज कर चुके हैं और ये काफी पॉपुलर भी रहा है। इसी दौरान कंपनी विल सपोर्ट नाम से लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेस में उतर गई, यानी कि आप देख रहे हो किस तरह से इस कंपनी ने अपने आप को डेवलप किया। पहले सिगरेट का ब्रांड, उसके बाद पैक्ड चीज़ों का ब्रांड, उसके बाद अब ये स्टेशनरी के ब्रांड पर आ गए और उसके बाद अब ये लाइफस्टाइल रिटेलिंग बिजनेस की भी शुरुआत कर चुके थे। तो विल्स लाइफस्टाइल इंडिया फैशन वीक का नाम हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, यानी कि ये काफी पॉपुलर है। 2000 के दशक के बाद से कंपनी ने तेजी से पोर्टफोलियो का विस्तार कर लिया। इसकी शुरुआत हुई तेजी से उभर रहे आईटी सेक्टर से। कंपनी आईटीसी इंफोटेक इंडिया लिमिटेड नाम से आईटी सेक्टर में उतर गई और यही दौर था जब आईटीसी ने एफएमसीजी में भी कारोबार का विस्तार करना शुरू कर दिया था। आटा का आशीर्वाद ब्रांड हो या सनफीस्ट बिस्किट, आईटीसी आज रेडी टू ईट किचन्स ऑफ इंडिया, कन्फेक्शनरी, मिंट श्री कैंडीमैन, सनफीस्ट येपी, गम ऑन च्युइंग गम, आशीर्वाद स्वास्थ्य घी, सनबीन चॉकलेट, आशीर्वाद स्वास्थ्य पैकेज्ड दूध जैसे ब्रांड्स के साथ घर घर में मौजूद है।
मंगलदीप अगरबत्ती और माचिस भी आईटीसी के ही ब्रांड्स हैं। फैशन और पर्सनल केयर में बात कर ले तो इंगेज का नाम आपने सुना होगा, निम वॉश का नाम, विविल का नाम, सुपीरिया, ये सारे ब्रांड्स उनके ही हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स आईटीसी ही बनाती है। अभी आईटीसी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो रिपोर्ट्स की माने कि मार्च 2022 के तिमाही में इसे 4,259 यानी कि 4,259 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है और यह साल भर पहले के जो 3,816 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 11.6% अधिक था। इस दौरान कंपनी का राजस्व 15,404 करोड़ रुपए से सालाना आधार पर 15.2% बढ़कर 17,750 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने मार्च तिमाही में इन्वेस्ट कर हर शेयर पर 6.25 रुपीस का फाइनल डिविडेंड भी किया और सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के इन्वेस्टर्स को हर शेयर पर 11.50 रुपीस का डिविडेंड मिला है। पिछले 6 महीने के दौरान आईटीसी के शेयर का भाव करीब 25% चढ़कर 270 रुपए पर पहुंच गया है। वेल, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है अबाउट द हिस्ट्री टू प्रेजेंट ऑफ आईटीसी। आईटीसी क्या थी, आईटीसी ने कैसे हर बिजनेस में अपने कदम को आजमाया और आज आईटीसी का फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में क्या है और उसके शेयर्स के प्राइस कितने ज्यादा हैं और टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी कितनी ज्यादा है। बल मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से समझ आ गया है कि आपके बिजनेस को भी इतना बड़ा बनना है और आईटीसी जैसे एग्जांपल्स मार्केट में और भी हैं जिन सभी के हिस्ट्री हम आपके सामने लेकर आएंगे और उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।